आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य यही है कि जेएसएससी के द्वारा विगत 5 वर्षों से कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई गई है और स्थिति ऐसी हो चुकी है अभी कि जो नियोजन नीति बनाया गया है वह कोर्ट में फंसा हुआ है। और ऐसी स्थिति में अगर सरकार की मानसिकता को अगर आप देखते हैं तो सरकार किसी भी तरह से रोजगार के पक्ष में दिख नहीं रही है और इसीलिए झारखंड के युवाओं ने एक निर्णय लिया है कि हम लोग डिजिटल स्ट्राइक का सपोर्ट करते हुए सहारा लेते हुए हम लोग अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारी मुख्य मांग यही है कि जेपीएससी और जेएसएससी में अब जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाए उस एग्जाम में, क्योंकि बहुत लंबे समय से कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं हुआ है तो इसलिए हमें उसमें उम्र सीमा में छूट चाहिए और एक ऐसा नियोजन नीति बनाया जाए, एक ऐसा नियमावली बनाया जाए जिसमें किसी भी झारखंडी स्टूडेंट्स को वंचित नहीं किया जाएगा अवसर पाने से। और साथ ही साथ जो भी एग्जाम झारखंड में होगा हर एक एग्जाम में निष्पक्षता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए और साथ ही साथ भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए हम लोग ये डिजिटल स्ट्राइक कर रहे हैं। इस स्ट्राइक और इस कैंपेनिंग का एक ही उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक संख्या में युवा जुड़ करके सरकार से अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि पिछले कई सालों से सरकार की ओर आश्वस्त कर रही है, सरकार को डर लगता है कि महामहिम के पास उनका लिफाफा है इसलिए वो डरती है और उनके डर से बहुत सारे काम करती है, लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि हर चुनाव में युवाओं के पास भी एक लिफाफा होता है और उस लिफाफे का वो लोग समन्वय नहीं कर पाते हैं। और इसीलिए सरकार जब से आई है तब से लेकर के अभी तक से सरकार ने एक भी स्टैंड, एक भी काम, एक भी कोई भी ऐसा नियमावली या फिर कोई भी ऐसा नियम जो है झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए नहीं किया गया है। आज आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो युवाओं की फौज खड़ी हुई है, युवाओं का जो भीड़ पड़ा हुआ है, कोई भी युवा अगर यहाँ पे तैयारी करने के लिए पहुंचे थे तो उनको लगा था कि हम सिर्फ यहाँ पे आकर के 5 महीना 6 महीना साल भर तैयारी करेंगे, लेकिन वही युवा आज तैयारी करते करते 5 साल बिता दिए हैं। कोई भी एक बेरोजगार युवा जो घर में रह करके तैयारी कर रहा था, आज अगर वो शहर में आके तैयारी कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास सीमित संसाधन है, पैसे नहीं है, अर्थ का अभाव है, उसके बाद भी वो किसी तरह से मैनेज कर रहा है। और इसीलिए झारखंड के युवाओं ने निर्णय लिया है कि जितने भी झारखंड के युवा है, चाहे जितने भी इस क्षेत्र में जिले हैं, हर एक जिला से स्टूडेंट जो है अपने स्तर से लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे और वहां से डिजिटल कैंपेन को आगे बढ़ाया जाएगा। और सरकार अगर हमारे इस कैंपेन में भी बात नहीं सुनती है तो हम लोग इस कैंपेन के बाद जो 5 नवंबर का जो हमारा कैंपेन चलेगा उसके बाद 8 और 10 के बीच में हम लोग सड़क उतरने का भी काम करेंगे। और सरकार अगर नहीं करती वो काम भी तो 14 तारीख तक से हम लोग पूरा झारखंड को बंद करने का काम करेंगे। इसीलिए सरकार से हम लोग बार बार अपील कर रहे हैं कि झारखंड के युवाओं को ठगना बंद किया जाए, झारखंड के युवाओं के हित में काम किया जाए, झारखंड के युवाओं को नियुक्ति रोजगार दिया जाए। बहुत दुख होता है उस समय जब झारखंड सरकार जो मुख्यमंत्री हैं खुद अपने आप को युवा कहते हैं और हमें कहते हैं कि आप मुर्गी बेचो पकौड़े तोलो, तो ये सब बहुत ही ज्यादा शर्मनाक करने वाली बात सामने आती है। इसलिए युवाओं ने ठान लिया है कि इस बार डिजिटल स्ट्राइक के माध्यम से पूरे शहर को धुआं धुआं कर देंगे, हर एक क्षेत्र में ट्विटर को इतना ज्यादा इतना बेहतर तरीके से हम लोग ट्रेंडिंग में लाएंगे कि आने वाले समय में 7 पुस्तों तक सरकार याद रखेगी कि झारखंड में युवाओं ने कैंपेन किया था। इसलिए झारखंड के युवाओं से मेरा खास करके अपील है कि इस कैंपेन में आप अपना सहभागिता दीजिए, अपना भागीदारी दीजिए। अगर आज आप अपने हक और अधिकार के लिए सामने नहीं आएंगे तो आने वाले समय में कोई भी सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी। इस सरकार को अगर आप अपनी बात मनवाना है तो डिजिटल कैंपेन के माध्यम से सरकार को अपनी बात मनाएंगे। सभी झारखंडी युवाओं से मेरा एक अपील है कि आप लोग इस कैंपेन में सहभागिता दीजिएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।